साईं बाबा का व्रत कोई भी कर सकते हैं, चाहे स्त्री पुरुष और चाहे बच्चे। यह व्रत किसी भी जाति पाति के भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह व्रत बहुत ही चमत्कारिक है। 9, 11 अथवा 21 करने से निश्चित ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को श्री साईं बाबा का नाम लेकर किसी भी गुरुवार से आरंभ कर सकते हैं। जिस कार्य के लिए व्रत किया गया हो उसके लिए श्री साईं बाबा से सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। किसी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर श्री साईं बाबा की तस्वीर रखकर स्वच्छ जल से पोंछें। उसके बाद चंदन का टीका लगाएं और उस पर पीला फूल अथवा पीले फूलों का हार चढ़ाएं। प्रसाद में कोई भी फल अथवा मिठाई चढ़ा सकते हैं। यह व्रत फलाहार लेकर भी किया जा सकता है, जैसे दूध चाय फल मिठाई इत्यादि, और एक समय भोजन करके भी किया जा सकता है। बिल्कुल भूखे रहकर उपवास नहीं करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार हो सके तो साईं बाबा के मंदिर जाकर दर्शन करने चाहिए। साईं बाबा के मंदिर ना जा सके तो श्रद्धा पूर्वक घर में ही साईं बाबा की पूजा की जा सकती है। यदि किसी कारणवश गुरुवार को कहीं जाना हो तो व्रत को नियमानुसार सुचारू रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश किसी गुरुवार व्रत ना कर पाए तो उस गुरुवार को गिनती में ना लेते हुए, मन में किसी भी प्रकार की शंका ना रखते हुए अगले गुरुवार से व्रत जारी रखें। मन्नत माने हुए गुरुवार पूरे होने पर व्रत का उद्यापन करें। एक बार मन्नत अनुसार व्रत पूर्ण करने के बाद फिर से मन्नत कर सकते हैं और व्रत शुरू कर सकते हैं। उद्यापन विधि। 9वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। इसमें कम से कम 5 गरीब लोगों को भोजन कराना चाहिए। साईं बाबा की महिमा एवं व्रत के फैलाव करने के लिए अपने सगे संबंधियों पड़ोसियों इत्यादि को साईं बाबा के व्रत की किताब 5, 11 यथाशक्ति भेंट दी जा सकती है। 9वें गुरुवार को जो किताबें भेंट देनी है उन्हें पहले पूजा में रखें, बाद में ही भेंट दी जाए, जिससे अपनी एवं अपने संबंधियों की मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। उपरोक्त विधि से व्रत करने एवं विधि पूर्वक उद्यापन करने से निश्चित ही मनोकामना पूर्ण होती है। साईं बाबा के व्रत की कथा। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखते थे, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू किस्म का था। बोलने का वे लिहाज नहीं रखते थे और इसी वजह से उनका अपने अड़ोसी पड़ोसियों से अनबन रहती थी। लेकिन कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखती थी, बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती थी। धीरे धीरे उनके पति का धंधा और रोजगार ठप हो गया, कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते थे और अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली और अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। दोपहर का समय था, एक व्रत महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हुए, चेहरे पे गजब का तेज। आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से व्रत बाबा को नमस्कार किया। व्रत ने कहा, साईं सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज सुख तो किस्मत में ही नहीं है। और अपने दुख भरे जीवन का वर्णन कह सुनाया। महाराज ने साईं व्रत के बारे में बताया और 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन लेके करने को कहा और कहा कि बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत की किताबें 5, 11, 21 यथाशक्ति लोगों को भेंट देना, इस तरह साईं व्रत का फैलाव करना। साईं बाबा तेरी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है और धैर्य रखना। जो इस विधि से व्रत और उद्यापन करेगा, साईं बाबा उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत लिया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन दिया, व्रत की पुस्तकें भेंट दी और उनके घर से झगड़े दूर हुए। घर में बहुत शांति रहने लगी।
और महेश भाई का स्वभाव बदल गया और उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख और समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। तो कोकिला बहन ने नौ गुरुवार की महिमा और साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे इसके बारे में बताया। यही और साथ में यह भी बताया कि इसके लिए साईं बाबा पर अटूट विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबको सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि पूछी। कोकिला बहन ने उन्हें बताया कि नौ गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करके व्रत करें। नवे गुरुवार हो सके तो साईं नौ गुरुवार तक साईं मंदिर में साईं बाबा के दर्शन करें। और व्रत के पूरे नियम बताते हुए उन्होंने कहा कि ये व्रत स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी कर सकते हैं। नौ गुरुवार साईं बाबा की फोटो की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती करना, प्रसाद चढ़ाना, साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना आदि विधि बताई। साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पाठ करना। नवे गुरुवार को गरीबों को भोजन देना। नवे गुरुवार यह व्रत साईं व्रत की किताबें अपने सगे संबंधियों और पड़ोसियों को भेंट देना। और उनकी जेठानी का थोड़े दिन में ही संदेशा आया कि उनके बच्चे साईं बाबा का व्रत करने लगे हैं और पढ़ाई भी अच्छे से करने लग गए हैं और उन्होंने भी व्रत किया है। व्रत की किताबें जेठ के ऑफिस में दी तो इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली की बेटी शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी तरह से अच्छी जगह हो गई। उनके पड़ोसियों के गहनों का डिब्बा खो गया था, वह कुछ महीनों में ही पता नहीं कौन वापस रख गया। इस तरह के कई अद्भुत चमत्कार सुनने को मिले। कोकिला बहन ने साईं बाबा की महिमा महान है ये जान लिया था। हे साईं बाबा, जैसे सभी लोगों को प्रसन्न होते हैं वैसे हम पर भी होना। अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम श्री साईनाथ।